नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्लांट लेआउट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या प्रिंसिपल्स होते हैं एक गुड प्लांट लेआउट या प्लांट लेआउट के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ प्लांट लेआउट से। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं अपनी पहली वीडियोज़ में प्लांट लेआउट का कंसेप्ट बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ देख ली हैं और आपको प्लांट लेआउट का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं आगे का। तो कंसेप्ट ऑफ प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट इज अ टेक्निक ऑफ लोकेटिंग डिफरेंट मशीन्स एंड प्लांट सर्विसेज विद इन द फैक्ट्री सो दैट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल आउटपुट ऑफ हाई क्वालिटी एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट कैन बी अवेलेबल। अब इसका मतलब यही है कि प्लांट लेआउट एक टेक्निक होती है डिफरेंट मशीन्स एंड प्लांट सर्विसेज को लोकेट करने की विद इन द फैक्ट्री सो दैट ग्रेटेस्ट पॉसिबल आउटपुट मिल सके हाई क्वालिटी का और लोएस्ट टोटल कॉस्ट हो। ठीक है, तो प्लांट लेआउट का बेसिक मीनिंग यही होता है। इट सिग्निफाइज द अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, वर्क एरियाज, मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरिंग ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, प्रोडक्ट्स, टूल्स एंड फिक्स्चर्स एक्सेट्रा। प्रॉपर प्लांट लेआउट इज वन ऑफ द की ऑफ सक्सेस इन फैक्ट्री मैनेजमेंट। द लेआउट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट मे बी न्यूमरस बट विच कॉस्ट लेस इन लॉन्ग रन इज द बेस्ट लेआउट। अब इसका मतलब ये है कि प्लांट लेआउट सिग्निफाई करता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मशीन, वर्क एरियाज, मटीरियल हैंडलिंग्स को। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स, टूल्स, फिक्स्चर्स एक्सेट्रा। ठीक है, और प्रॉपर जो प्लांट लेआउट होता है ना, फैक्ट्री मैनेजमेंट की सक्सेस की एक की होती है। ऑलराइट, सेम प्रोडक्ट्स का प्लांट लेआउट न्यूमरस हो सकता है बट जो प्लांट लेआउट लॉन्ग रन में सबसे कम कॉस्ट दे उसे ही हम कहेंगे बेस्ट प्लांट लेआउट। सिंस प्लांट लेआउट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑर्डरली फ्लो ऑफ मटीरियल्स, प्रोडक्टिविटी एंड मोरल ऑफ द वर्कर्स, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ सिस्टमैटिक लेआउट प्लानिंग। दिस हैज़ बिकम ऑल द मोर नेसेसरी विद द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लैंड, लेबर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। अब इसका मतलब ये है कि प्लांट लेआउट रिस्पॉन्सिबल होता है मटीरियल प्रोडक्टिविटी एंड मोरल ऑफ वर्कर्स के ऑर्डरली फ्लो के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, हम सिस्टमैटिक लेआउट प्लानिंग करते हुए चलें कि कौन सा लेआउट कहाँ पर आएगा, क्या क्या इसका फ्लो होगा। अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि पहले अगर जब हम ये नहीं करते थे ना तो कॉस्ट ऑफ लैंड, लेबर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत ज़्यादा होती थी। प्लांट लेआउट के बाद कॉस्ट कटिंग में हमें हेल्प मिली। ऑलराइट, तो अभी आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ गुड प्लांट लेआउट। यहाँ पे हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं कि गुड प्लांट लेआउट को बनाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स चाहिए हमें या किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है गुड प्लांट लेआउट। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम जो वर्कर्स जो इधर उधर भाग रहे हैं ना प्रोडक्शन एरिया में, मतलब जो ट्रैवल करने का वर्कर्स का सीन है, वो कम हो जाए किसी तरह पे। अब खुद सोच के देखो, किसी प्रोडक्शन एरिया में अगर वर्कर इधर उधर चल रहे हैं तो बहुत हॉशपॉश हो जाएगा उधर, तो इसलिए वर्कर्स का ट्रैवल टाइम वहाँ पे मिनिमम करना पड़ता है हमने। प्लांट लेआउट में हम ये डिसाइड करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, अब सीक्वेंस से हमारा मतलब है कि जो प्रोसेस है ना, जो प्रोडक्शन चल रहा है उसके सीक्वेंस है। जैसे कि अगर कोई रॉ मटेरियल किसी मशीन में डला हुआ है, उसके बाद उसका सेमी फिनिश्ड गुड्स निकले हुए हैं और फाइनल गुड्स बने हुए हैं, तो सेमी फिनिश्ड गुड्स को निकलने में और फाइनल गुड बनने में कितना टाइम लग रहा है, कितना उसका वेटिंग टाइम है, ये सब इसमें प्रिंसिपल में देखा जाता है और उस सब चीज़ को मिनिमाइज़ किया जाता है। जो इसका मेन मोटो होता है, वेटिंग टाइम मिनिमाइज़ करना होता है। प्रिंसिपल ऑफ यूसेज, प्रिंसिपल ऑफ यूसेज से हमारा मतलब है कि जितना भी हमारा एरिया है ना उसको हम मैक्सिमम यूज़ करें। ठीक है, जितना भी हमारा एरिया मिला हुआ है प्रोडक्शन एरिया उसको मैक्सिमम यूज़ करें। ये नहीं कि एक जगह पर हमने पूरी अपनी मशीन्स बिछा दी, पूरा बाकी का एरिया खाली है, ऐसा नहीं है। खुले में मशीन बिछाओ यार, आने जाने के लिए जगह छोड़ो ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम मैक्सिमम विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को एश्योर करते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी का मतलब हर चीज़ जो भी जहाँ पे चीज़ रखी हुई है ना वो दिखे, विजिबल हो सारी चीज़ें। ये नहीं कि कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है, कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है, और ईजिली एक्सेसिबल हो वो सारी चीज़ें। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन, इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम वर्कर्स की सेफ्टी और सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देते हैं ताकि उनका मोरल काम करने में बना रहे, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए उसके वर्कर्स का मोरल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ये कहती है कि हम ऐसा प्लांट लेआउट डिज़ाइन करें ना ताकि हम वो फ्लेक्सिबल हो चेंज करने में। अगर ये प्लांट लेआउट नहीं चाहिए हमें, कल को कुछ और प्रोडक्शन करना है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ऐसा प्लांट लेआउट डिसाइड करो ताकि वो फ्लेक्सिबल हो आगे फ्यूचर में कुछ चेंजेस करने के लिए। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब प्लांट लेआउट का तो अल्टीमेट गोल यही है कि उसमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन मिले, उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, मिनिमम कॉस्ट हो,
और मिनिमम कॉस्ट में ही आ जाता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हमें हाई प्रोडक्शन चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए और मिनिमम टोटल कॉस्ट चाहिए। तो ये होता है प्लांट लेआउट का मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाला प्रिंसिपल। तो ये थे कुछ 7 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्लांट लेआउट। होप आप ये 7 पूरे समझ गए होंगे। तो यही था इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने देखा कंसेप्ट ऑफ प्लांट लेआउट और व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्लांट लेआउट। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो समझ में ना आया हो तो नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जैसे कि ये वीडियो एक सब्सक्राइबर द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी, अगर आपको भी कोई PPT वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो वो आप टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज़ अब आए हो तो एक सब्सक्राइब करके ही जाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। और यार एक मेरा ब्लॉग है, इसको चेकआउट करना मत भूलना। जो भी आप वीडियोस YouTube पे देखते हैं वो इस ब्लॉग पे जाके आप देख सकते हैं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ पे भी आप PPTs के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।